हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने माइनक्राफ्ट नॉर्मल जो आता है जावा वर्जन में उसमें सेडर्स ऐड कर सकते हो। और ये मैं बताने जा रहा हूँ कि टी लॉन्चर में आप कैसे ऐड कर सकते हो सेडर्स, जो कि अपने गेम को ज़्यादा ही अच्छा दिखाता है। देखो कितने अच्छे दिखा रहा है ये गेम को, तो सब सब चीज़ को ये बहुत ही अच्छे दिखाता है और आपको गेम पे नेक्स्ट लेवल मजा आएगा। आपको जो पता है इसलिए तो आप इस चैनल पे मतलब ये वीडियो देखने आए हैं। तो देखो कितना मजा आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ ये कैसे करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं और ये कौन सा सेडर है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप अगर चाहते हैं तो। ये देखो ये सेडर्स का लिंक दे दिया, इसको अगर आप कॉपी करेंगे और फिर मतलब सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसके पहले ये देखो, यहाँ से आप जस्ट ये BSL शेडर्स है और इसका 14.14.4 ये वाला है जो पहला वाला है वो से कर लेगा। ये आराम से 1.15.2 पे सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी 1.15.2 ही चला रहा हूँ ऑप्टिफाइन के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बस दिखाता है, ये बस ऐसे ही कुछ नहीं। तो यहाँ से बस आप इसको क्लिक करेंगे, मैं दिखाई देता हूँ। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ऊपर से ये आएगा। इस पर 2-3 सेकंड वेट वेट करना, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, जो इधर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो स्टार्ट भी हो गया और ये बहुत ही छोटा फाइल है, इजीली डाउनलोड भी हो भी गया। कितने 300 400 400 KB का है बस। तो ओपन फाइल लोकेशन करते हैं, तो ये देखो मेरा यहाँ आ गया BSL सेडर, मैंने पहले से करके रखा है इधर है। तो आपको इधर कुछ नहीं करना है, बस इसको ये करके इस पे एक्सट्रैक्ट टू BSL सेडर उस पर इसमें क्लिक कर देना है, बस ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखो इधर आ गया एक्सट्रैक्ट। अब आपको इधर कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे कॉपी करना है और इन सबको बंद करके अपना जो माइनक्राफ्ट टी लॉन्चर है इसे बंद करके ही दिखाता हूँ मैं। ये देखो ऐसे टी लॉन्चर पे क्लिक करके खोल सकते हो, ये टी लॉन्चर है। और हाँ, इसी जब तक खुलता बोल देता हूँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम डेली लाइव आते हैं। तो जैसे कि आप आपके पास ये होना चाहिए ऑप्टिफाइन, ऑप्टिफाइन 50, ऑप्टिफाइन कोई भी ऑप्टिफाइन होना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिफाइन के बिना सेडर्स काम नहीं करते, ये आपको पता ही होना चाहिए। और ऑप्टिफाइन इधर ऐसे ही सब वर्शन के लिए आ जाता है। ऑप्टिफाइन देखो 13.3 सब के लिए आ जाता है, या लेटेस्ट रिलीज है 51.15.2 या 1.15.2 का ऑप्टिफाइन, ये इजीली इधर मिल जाता है। तो इसका ऑप्टिफाइन सेलेक्ट करके, और हाँ आप यहाँ पे मेन स्टेप है जो कि यहाँ पे ये फोल्डर जैसा दिख रहा है, इस फोल्डर पे क्लिक करो, फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो इस फोल्डर पे आपको इधर शेडर पैक ढूंढना होगा, जो कि यहाँ से एक दो कुछ ही नीचे ये शेडर्स पैक होता है, इस पे आप पे क्लिक करना होगा। और आपका जो शेडर्स होगा आपने जो कॉपी किया होगा उसे इधर पेस्ट कर देना होता, बस मैंने पहले से किया है इसलिए फिर से आपको पेस्ट करके दिखाया। ये कुछ नहीं, पेस्ट करके रख दो, फिर से क्रॉस कर दो। अब है इसका सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप इजीली कंप्लीट हो जाता है, एंटर गेम। और हाँ ये बता दो, ये जो सेडर्स है ये हाई एंड पीसी में बहुत अच्छा काम करेगा और लो एंड पीसी में भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये थोड़ा मतलब आरटीएक्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा कम है, बहुत बहुत कम ग्राफिक्स कार्ड वाले भी इससे खेल सकते हैं, थोड़ा सा चंक्स डिस्टेंस कम करके। तो जैसे कि मेरा माइनक्राफ्ट खुल रहा है, देख ही सकते हो मोजोंग। तो सब्सक्राइब कर लो। ये देखो आपको पहले तो किसी भी उधर ज्वाइन कर लेना होगा, सिंगल प्लेयर में ज्वाइन, मैं दिखा रहा हूँ सिंगल प्लेयर में ज्वाइन कर लिया, किसी भी सर्वर पे ऐसे ज्वाइन कर लिया। मेरे पहले से सेडर्स लगे रहेंगे, तो फिर आपको यहाँ क्या करना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा, इधर ऑप्शंस होगा, ऑप्शंस में क्लिक करना और इधर वीडियो सेटिंग्स पर इधर शेडर्स आ जाएगा। कभी कभी किसी का एनेबल नहीं रहता ये, तो
तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो मैं किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। तो इधर शेडर्स ये पहले से रहेगा, इसे क्लिक करना है और इधर तुम्हारा शेडर्स आ जाएगा। ये देखो ये अभी मैंने किया है, तो कुछ नहीं करना, बस इसको सिलेक्ट करना है और इधर डन कर देना है। डन तो मेरा है ही, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसे हो जाएगा आपका शेडर्स। तो ये बहुत ही अच्छा शेडर्स है और आपको खेलने का नेक्स्ट लेवल मजा भी देता है। ये देखो कितना मजा आता है, पूरे गेम का अलग ही मजा देता है। ये देखो पेड़ की पत्ती कितने अच्छे से मूव करती है, ये पूरे गेम को ही आपको पूरा गेम चेंज कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड में आ ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं, हम इधर ही बैठे रहते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ज्वाइन करना हो तो आ जाइए। उसके लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर देना, मुझे पता है आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब्सक्राइब कर दोगे। तो गुड बाय।